गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का जमीनी जिताऊ प्रत्याशी घोषित। पल्लवी पटेल नहीं लड़ेंगी 2024 लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से काजल निषाद को 2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। काजल निषाद जिस तरह से गोरखपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिस तरह से गोरखपुर की जनता का समर्थन काजल निषाद समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी की राह गोरखपुर लोकसभा सीट पर आसान रहने वाली नहीं है। बीजेपी पार्टी ने यहां से गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन को 2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान में रवि किशन सांसद है गोरखपुर लोकसभा सीट से। वहीं अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। चर्चाएं थी कि पल्लवी पटेल 2024 लोकसभा चुनाव फूलपुर लोकसभा सीट से लड़ेंगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पल्लवी पटेल 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पल्लवी पटेल ने 2024 लोकसभा चुनाव में अपना एक अलग गठबंधन बनाया है, जिसका नाम है PDM यानी पिछड़े दलित और मुस्लिम। यह गठबंधन असादुल ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर बना है। पल्लवी पटेल इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 की चुनाव प्रचार कर रही हैं वाराणसी लोकसभा सीट पर। 2024 लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल का 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी भरे मंच से कह दिया था कि 2024 लोकसभा चुनाव में हमारा उनसे कोई गठबंधन नहीं है।